हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट पर। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ आज जुड़ने जा रही हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट सुषमा पटेल, जो हैं इंडिया की पहली कैप्टन ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट टीम फॉर वुमेन। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट सुषमा, कैसे हैं? मैं ठीक हूं सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा सुषमा, बताइए अपनी जर्नी के बारे में। आपने पहले आप कैप्टन थे इस टीम का, नेपाल में गए, अनफॉर्चुनेटली सीरीज नहीं जीत पाए, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा था, एक्सपोजर कैसा था उस सीरीज का? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, हमने काफी कुछ सीखा वहां पे कि बैटिंग कैसे करना चाहिए। उनका बैटिंग बहुत स्ट्रोंग था क्योंकि उनका मतलब 10 साल से उनका टीम बना हुआ था, वो अच्छा खेल रहे थे। मतलब दो बैट्समैन उनके बहुत अच्छे थे, विनीता तो मतलब एकदम अच्छा खेल रही थी वो, तो हम लोग ने काफी अच्छा सीखा वहां पे। थोड़ा मिसफील्ड हुआ तो उससे हम लोग सीरीज हार गए, बाकी हम लोग का मतलब सब अच्छा था, तो जी। काफी कुछ यार सीखा वहां से। वो तो कोई बात नहीं, एक्सपोजर होता है। जी और जी आप गए थे, अच्छा मेरे को ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस कैसा था टीम लीड करने का, क्योंकि आप पहले कैप्टन है टीम के, तो वो किस तरीके से, वो जर्नी के बारे में बाद में बात करूंगा मैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा है इंडियन टीम को लीड करने का? एक ऑनर की बात है, एक प्राइड की बात है। जी जी सर, तो एक्सपीरियंस अच्छा था, थोड़ा नर्वस भी थी। सर लोग ने, मैम ने गाइड किया कि ऐसे ऐसे करना है बेटा, डरना नहीं है। तो पहली बार था तो थोड़ा सा नर्वस थी, बट अच्छा था, जी सबको गाइड किया, सबको बोला, अच्छा था, काफी अच्छा था। और पॉजिटिव्स क्या हैं इस सीरीज से? क्या कितने पॉजिटिव्स आपको लगता है कि कितना हेल्प करेगी आगे जाके ये टीम के लिए, जो भी एक्सपोजर आपको मिला, और क्या कमी रह गई, तो दोनों के बारे में बताओ थोड़ा सा। कमी थोड़ा वो कोऑर्डिनेशन, मतलब एक तो मतलब बातचीत करना आपस में, जैसे अपन खेलते हैं तो बातचीत करना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें बातचीत करो, थोड़ा उसमें हो गया। और बैटिंग में भी थोड़ा शायद नर्वस होंगे या जो भी है, बातचीत तो हमने अच्छा किया था, बाहर अच्छे से बात कर रहे थे, बट वहां पे थोड़ा बहुत हाँ, या तो फर्स्ट टाइम था तो उससे नर्वस होंगे, इसलिए थोड़ा हाँ और अच्छा नहीं हो पॉजिटिव पाया, क्या है, बाकी अच्छा पॉजिटिव था। क्या है इस सीरीज से, इस सीरीज से पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव तो अच्छा था, हम लोग एक मैच जीते थे तो वहां से काफी मतलब उत्साह बढ़ गया था लड़कियों में, जी तो जी अच्छा था। हम लोग ने सीखा और सोचा नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छा करेंगे, सोचा कि हार मिली ना तो उससे काफी कुछ सीखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जीत के आएंगे। और कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है वो बहुत अच्छा जो कर सकते हैं आपके टीम के अंदर, एक उतने एक बहुत बड़े लेवल तक जाने का जो एक टैलेंट होता है, कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं? कुछ 5-6 प्लेयर्स के नाम जी जी बताइए जो आपको लगता है एज अ कैप्टन की इनका एक गेम प्लेयर डिफरेंस। तो जी जी प्लेयर तो बहुत बहुत अच्छे हैं सभी। गंगवा जी है, वो काफी अच्छी बैटिंग करती वो है। वाइस कैप्टन है सिमू आपकी। दास है, जी जी सिमू दास है, वीवन है, उसने भी काफी अच्छा मतलब रिवर्स मारती है वो, उसका काफी अच्छा गेम है। और बॉलिंग में रबनी करके है, वो भी बहुत अच्छा बॉल डालती है। हाँ पद्मनी है, फूला है, झिल्ली है, बहुत है, दीपिका है। जी जी जी। ये तो टूर की बात हो गई, ये तो नेपाल के टूर की बात हो गई, आपको एक्सपोजर भी मिला। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि वो कैंप जो था एमपी का में जो लगा था, वहां तक कैसे आए, फिर जी वहां जी से कैसे जर्नी इंडियन टीम की मिली, फिर उसके बाद कैप्टन्स हैट कैसे मिला, वो सारा जर्नी एक बार मेरे को बताइए आप थोड़ा सा। जी सर, मैं तो गांव पे रहती थी, मतलब पापा ऐसे नॉर्मल क्रिकेट सुनते थे, रेडियो में टीवी में कहाँ देखते पर, थे, गांव कहाँ तो पर? गांव पे मैलीघाना, दमोह ओके, जिला ये गांव लगता है कहाँ, हमारा। जी कौन से स्टेट में? स्टेट एमपी है, बट ओके 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 जी 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 तो सुनते थे पापा, मतलब भाई लोग को भी खिलाते थे, भाई लोग खेलते थे तो उनके साथ मेरा भी मतलब मन हुआ कि मैं भी क्रिकेट खेलूं, तो स्टार्टिंग से था मेरा कि मैं भी कुछ खेलूं। रनिंग वगैरह भी था मेरा, भाई लोग के साथ जाना, तो भाई लोग जैसे गांव में खेलते हैं ना, खेतों में खेलते थे, तो मैं मतलब कि मैं भी बॉल डालूंगी करके, तो उनके उनके साथ जाती थी मैं। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे भी क्रिकेट खेलना है, मुझे भी
एडमिशन कराओ ना करके, ऐसे मुझे ब्लाइंड के बारे में नहीं पता था कि ब्लाइंड का होता है या ब्लाइंड बच्चे भी होते हैं। मुझे तो ये बताया था कि मुझे चोट लगी छोटे में, तो उस वजह से मैं हुई हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। तो पापा ने बोला हाँ ठीक है बेटा, तुम क्यों नहीं कर सकते, खेल सकते हो। तो एक्चुअली मैं नॉर्मल जो क्रिकेट होता है उसमें मैं एडमिशन लेना चाह रही थी। तो यहाँ जी पे जी भोपाल में मेरी सिस्टर रहती है, उनका भागवती जी पटेल नाम है, जी तो उन इनके यहाँ आई। तो फिर मेरी मैम से, एक्चुअली हमने एडमिशन लिया था मतलब उसमें नॉर्मल में, तो वहाँ पे मेरे से ये फ्लैट कैच होते हैं, तो मतलब एकदम से ऐसा लग रहा था कि बॉल आ रही, बैटिंग में भी एकदम से ऐसा लग रहा था कि एकदम से मेरे पास बॉल आ रही। तो फिर मैंने, हाँ तो मैंने मतलब मैम ने बोला, तो मैंने मैम को बताया कि मैम ऐसी ऐसी बात है, मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। जी तो मैम ने फिर उस टाइम ये कैंप लगे थे, फर्स्ट टाइम टीम बननी थी ठीक है एमपी की, तो स्टेट की। हाँ तो उनने मतलब बात की, तो तभी मैम की फ्रेंड थी वो, उनका निधि, निधि तिवारी नाम है, तो उनसे उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उनने, वर्षा पटेल हैं जो हमारी मतलब कोच थी नॉर्मल में मैंने जो एडमिशन लिया था, तो उनने फिर मेरे को बोला कि देखो बेटा इसमें होता है नहीं होता है, हो सकता तुमको फिजिकल में तुमको बाहर कर दिया जाए क्योंकि तुम्हारा उतना विजन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा, बट मुझे वो खेलना था। फिर मैं थोड़ा रोई, फिर मैं दीदी को बोला, तो दीदी ने समझाया कि अच्छा मतलब तुमको मौका मिल रहा है तो तुमको जाना चाहिए, करना चाहिए। फिर सोनू सर, कृतिका मैम से बात हुई, सोनू सर जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो उनने समझाया कि ऐसा ऐसा है, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, फर्स्ट टाइम अपनी टीम बन रही है, हो सकता अच्छा हो तुम्हारा। तो फिर हाँ, तो फिर मैंने वो 3-4 दिन का कैंप अटेंड किया, और फिर जी देन बैंगलोर गए थे हम लोग खेलने के लिए। तो उस टाइम बैंगलोर मैं में कैप्टन किसके नहीं साथ थी खेले, खेलने के लिए किसके साथ जी। बैंगलोर में किसके साथ खेलने के लिए थे, किसके अगेंस्ट? स्टेट की जो टीम आती है ना, जैसे मेरी एमपी, फिर वहां से कर्नाटक, उड़ीसा, ये सब, महाराष्ट्र वगैरह, ये सब। हाँ उस टाइम पहली बार मेरा वो था, तो उस टाइम भी मैं नर्वस थी कि कैसा क्या खेलूंगी। बाकी मुझे बता दिया था, इतना गाइड कर दिया था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था उस टाइम। तो वहां पे मैं कैप्टन नहीं थी। फिर नेक्स्ट टाइम जो हमारी अभी जो टीम गई थी, तो उसमें मैं कैप्टन थी, और अच्छा था, मेरा स्कोर भी अच्छा था उसमें, बैटिंग अच्छी हुई मेरी। तो फिर शायद वही देख के मुझे यहाँ पे जो एमपी में अभी इंडिया के लिए जो जी 37 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था, फिर यहाँ जी पे फेथ क्लब में वो क्या बोलते हम लोग का कैंप हुआ, हाँ फिर वहां से देन हाँ फिर 17 लड़कियों को चुना, और फिर मुझे कप्तान कप्तान मतलब बनाया वहां पे। ये जो तो कैप्टनसी बहुत मिली, जब कप्तानी जी मिली, जी तो उस समय क्या क्या कर रहे थे आप? क्या ड्रिल्स पे थे, या कब कब अनाउंस हुआ ये, और कैसा लगा जब पहली बार मिले, जो कि पहली टीम की पहली कैप्टन आप हैं? जी जी सर, मुझे मतलब ये नहीं था मुझे कि मैं बनूंगी, मतलब मेरे लिए एक सपना टाइप का था। तो मैं उस टाइम मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, मैं कैंप अटेंड करके आई थी वहां पे, वहां से तो घर पे फिर मेरे को 1-2 दिन में चिकन पॉक्स हो गया। तो मैं बिस्तर में थी, मैंने ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह नहीं की इसके लिए, प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, तो तभी मेरे को बताया। तो मेरे मतलब आंसू निकल गए थे कि मुझे नहीं लगा था कि मैं बनूंगी, यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचा था कि मैं वाइस कैप्टन भी बनूंगी। तो काफी कुछ, हाँ मेरे मतलब पापा भी बहुत खुश थे, मम्मी, सारी फैमिली, सब दी लोग सब खुश थे जी नहीं, सही बात है, इंडिया का कैप मिलना बहुत बड़ी बात होती है, उसके जी जी ऊपर पहली जी सर टीम का कैप्टन होना। जैसे एमएस जी सर धोनी, ये 2007 में जी पहले इनॉगरल जी T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन थे। तो जी और सर इसके अलावा फिटनेस वगैरह पे आप कैसे ध्यान देते हैं, क्या ड्रिल्स रहते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। फिटनेस का ऐसा तो इनका पर्सनली नहीं होता, जैसे कि एकेडमी वगैरह होती हैं, इसका नहीं होता, तो इसमें ज्यादा नहीं कर पाते। सोच रहे थे कि ये हो जाए, या फिर सर से मैंने बोला था कि सर प्लीज करवाइए, आप जहाँ भी करवाएंगे हम वहाँ पे आ जाएंगे, तो सर ने बोला भी था, बट अभी थोड़ा बिजी हैं। बाकी इसका ये है कि रनिंग वगैरह कर लेते सुबह शाम, और बाकी मेरी दी हैं तो उनको जब छुट्टी मिलती है या वो जल्दी आ जाती है ड्यूटी से, तो उनके साथ में कर लेती हूँ प्रैक्टिस। हाँ और मेरे जो ऑफ पास सीजन होता है उसमें प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते हैं,
कोई एकेडमी जाके या अपने घर पे किस तरीके से, क्योंकि वो था ना कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस तो करते ही हाँ रहना। जी, हाँ ड्रिल घर ही पे करते हैं, बैट है, बैट पर्सनली ले लिया है तो बैट से करते हैं, या बिन बैट के भी ड्रिल, जैसे पैर निकाल के खेलना, हाँ जैसे स्वीप खेलते हैं वो हाँ। ड्रिल करते हैं घर पे। जी ओके। और फैमिली कितनी सपोर्टिव है सुषमा आपके डिसीजन को लेकर के? ऑब्वियसली खुश तो होंगे, अब इंडिया आप लीड जी जी करके आए हो और आगे भी करोगे, और लेकिन जी जो सर इनिशियली होता है कि आपको कितना सपोर्ट मिला है फैमिली से, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द करियर? जी जी सर नहीं, फैमिली तो मेरी मतलब मम्मी पापा सभी लोग सपोर्ट करते, थोड़ा भाई का था कि लड़की है क्यों, मतलब इसको क्यों गेम में भेज रहे हो, इसको पढ़ाई के लिए बोलो, मतलब पापा से बोला था, बट पापा ने बोल दिया लड़कियां क्या, मतलब लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, मतलब पापा ने बोला, तो हाँ ज्यादा उसका वो नहीं था, बट अब सब सपोर्ट कर रहे हैं मम्मी पापा कंसर्न बहुत। थे बेसिकली, जी जी थोड़ा सा, और हाँ गांव के, लेकिन गांव के इतना सपोर्ट नहीं करते, उन लोग बोलते हैं कि अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं क्यों भेज रहे हो बाहर, अपने तो यहाँ से, मतलब वहां से पहले लड़कों को भी नहीं पढ़ाया जाता था उस टाइम, ऐसे लड़के पढ़ लेते थे, हाँ अभी तो देन जैसे मेरी दी लोग निकली हैं, जैसे मैं निकली हूँ, तो काफी वहां पे 14-15 साल में ऐसे लड़कियों की शादी करा देते थे, तो वहां पे अभी लड़कियों को 12th तो करवा ही देते हैं, शादी करते हैं, और कुछ लड़कियां भी कॉलेज भी जा रही हैं, जी तो जी मतलब थोड़ा चेंज हुआ है, बट इतना चेंज नहीं हुआ है लड़कियों के लिए, अभी थोड़ा सा वहां जी पे शब्द थोड़ा अजीब बोलते हैं कि ऐसा वैसा, आप जानते होंगे गांव पे थोड़ा सा अलग लेकिन होता है। आप तो इंस्पिरेशन बन गए हो, एंड एज आई जी सेड जी कि सर इंडियन क्रिकेट टीम को आप लीड करके आ रहे हो, तो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर मेल फीमेल कोई भी, आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन जी है? जी सर मेल में तो MS धोनी, बाकी देन रोहित, रैना, ये सब है ना, सचिन तेंदुलकर, और फीमेल में स्मृति मंधना, हरमनप्रीत कौर, मैताली राज, हाँ जी जी। सर वेल सुषमा, थैंक यू वेरी मच हमारे से जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, और ऐसे ही हम बात करते रहेंगे। होपफुली आप और अच्छा करेंगे करियर में, और टीम को जी जीत जी जिताएंगे। जैसे मेंस टीम एक बहुत ही बहुत सारे वर्ल्ड कप्स लेकर आई है, वी होप कि विमेंस टीम भी वही रेप्लीकेट करेगी, और आप उस टीम का कैप्टन रहेंगी, उस टीम की स्कीपर रहेंगी। जी तो जी थैंक सर यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे जी बात सर करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर वेल, ये थी सुषमा पटेल हमारे साथ, जो अपनी कैप्टेंसी के बारे में, फर्स्ट एवर टूर के बारे में, और अपनी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में हमारे साथ बात कर रही थी। ऐसी स्टोरीज के लिए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।